everyone, how are you all? Welcome back to my YouTube channel. It's me, Sidra. कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing great. मज़े में होंगे जी. आज मैं एक different video के साथ हाजिर हूँ. जी हाँ, मैं काफ़ी दिनों से just vlogs release कर रही थी, तो I thought, और मैंने आप लोगों से promise भी किया हुआ था कि मुझे आप लोगों को दिखाना है कि मेरे इस बैग में, यस आई थिंक मुझसे ज़्यादा फेमस मेरा बैग हो चुका है अब. जी, मेरी जब से मैं आई हूँ चाइना से, तब से जो है आप लोगों ने सिर्फ मेरे हाथ में यही बैग देखा है, क्योंकि मेरे पास और कोई बैग ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. यस, एक यही बैग है जो अभी तक मैं कैरी कर रही हूँ. ये बेसिकली मैंने चाइना से ही लिया था, और मुझे बिल्कुल जहन में नहीं था कि मुझे ट्रैवल करना पड़ जाएगा. अचानक से बस हम लोगों का कोविड की वजह से ट्रैवल करने का इरादा हो गया, और मैंने कुछ दिन पहले ही ये बाय किया था. तो आई थॉट कि ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं तो छोटा सा ही मैं बैग कैरी कर लेती हूँ. तो मैंने ये छोटा सा बैग उठा लिया, और मेरे सारे बैग वहीं रह गए. जी बिल्कुल, मेरे पास यहाँ पे कोई भी बैग नहीं है. जितने मेरे इस बैग के फैंस हैं, उतने ही क्रिटिक्स भी हैं. मतलब काफ़ी सारे लोग मुझे ये बोलते हैं, सिद्रा नाउ इट्स द टाइम दैट यू हैव टू चेंज योर बैग. सही कहते हैं, मैं बिल्कुल मानती हूँ मुझे चेंज करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, लोग भी बोर हो जाते हैं, मैं खुद भी बोर हो गई हूँ. बट मुझे मेरे नीड्स के एन मुताबिक कोई बैग नहीं मिल रहा था. तो स्टिल मैं सर्च में हूँ कि मुझे कोई अच्छा सा ज़बरदस्त सा बैग मिल जाए, जिसमें मैं अपनी सारी चीज़ें भी अच्छी तरह से कैरी कर पाऊँ, और अच्छा सा क्लासी सा भी बैग लगे. तो या डू लेट मी नो अगर आप लोगों को पता है कोई अच्छी बैग की शॉप. वीडियो शुरू करने से पहले इट्स अ शाउट आउट टाइम गोज टू आमना असद. यस, इनका चैनल बड़ा ही वर्सेटाइल चैनल है. इनके चैनल पे आपको बेसिकली मिलेंगे मजे मजे के फनी प्रैंक. व्हाट आई लाइक अबाउट देयर चैनल इज देयर केमिस्ट्री. बड़ी ही जबरदस्त सी इनकी केमिस्ट्री है. आप लोग जरूर इंजॉय करेंगे इनके चैनल पे. वो चैलेंजेस मिलेंगे जबरदस्त, और रिएक्शन वीडियोज भी आपको इनके चैनल पे मिलेंगी. इसके अलावा वो डेली रूटीन और डेली व्लॉग्स भी वो अपलोड करती रहती हैं अपने चैनल पे. जबरदस्त कंटेंट इज वेटिंग फॉर यू. लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जाइए, जाके इनका चैनल चेक कीजिए, देखिए इनकी वीडियोस एंड एंजॉय. शुरू करते हैं आज की वीडियो. तो यस, टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट दिस मिस्ट्री बैग. इसकी भाई इतने लोगों ने मुझसे फरमाइशें की हैं कि हमें दिखाएं कि आखिर आप इस बैग में कैरी क्या करती हैं. इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या एसेंशियल्स अपने साथ कैरी करती हूँ डेली लाइफ में, और क्या क्या ज़रूरी हैं. आपको इसमें से बहुत सारी शायद इंस्पिरेशन भी मिल जाए. ये मैंने बेसिकली लिया था चाइना से. यूनिवर्सिटी जाती थी तो वहाँ पर बहुत लड़कियाँ इस तरह का बैग कैरी करती थी. मुझे बड़ा शौक था कि मैं लूँ, और मल्टीपर्पज़ बैग है ये बेसिकली, और ये जो है यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स के लिए ये बन जाता है जी बैकपैक, जो कि आज तक मैंने यूज़ नहीं किया, बट ये बन सकता है. इसमें एक स्पेशलिटी है ये जी, इसके साथ स्ट्रैप दिया था जो मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, और है यहाँ पे इसका इस तरह का स्ट्रैप है जो कि आप यहाँ से यहाँ लगा सकते हैं, और आप इस तरह से इसे शोल्डर पर हैंग कर सकते हैं. एंड थर्ड वे दिस हैंड बैग जो आजकल मैं कैरी कर रही हूँ, जिस तरह से वो मैं आजकल इस तरह से कैरी कर रही हूँ. आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखा होगा ज़रूर कि ये जो छोटा सा प्यारा सा कीचेन है मिकी माउस वाला, वो भी मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया. मैं बड़ी तो हो गई हूँ, मैं मामा भी बन गई हूँ, लेकिन मुझे स्टिल जो है वो इस तरह की क्यूट क्यूट चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं. आई डोंट नो व्हाई बट करती हैं. मेरी अंदर की बच्ची अभी तक जिंदा है. आपको खोल के दिखाती हूँ कि भाई आखिर इस बैग में क्या है. ओके, ये दिस इज द मेन कंपार्टमेंट. देखिए करके दिखाती हूँ. सबसे पहले ये सनग्लासेस, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कैरी करना अपने साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सन रेज जो होती हैं वो बिल्कुल आपकी आंखों के लिए ठीक नहीं होती, तो सनग्लासेस पहनना बहुत ज़रूरी है, वरना आंखों के नीचे झुरियाँ आ जाती हैं. फ्रॉम बाय द वे eyeglasses.pk. यस, द सेकेंड थिंग इज ऑफ कोर्स हेयर ब्रश. थर्ड आई गॉट दिस सैनिटाइजर. सैनिटाइजर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कोविड चल रहा है, और वैसे भी नॉर्मल लाइफ में भी आपको ज़रूर ये कैरी करना चाहिए. कभी हम लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, हाथ धोने का मौका नहीं मिलता, तो सैनिटाइजर अगर आपके पास हो तो कोई परेशानी नहीं होती. सैनिटाइज करें एंड देयर यू गो. टिश्यूज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके बैग में किसी और से मांगते हुए अच्छा नहीं लगता. आपको आपके पास अपनी चीज़ें होनी चाहिए, आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए. This is my hand cream, जिसका कैप विल्दान ने गुम कर दिया. This bag, इसके अंदर जी
होती हैं मेरी बॉबी पिंस। बॉबी पिंस मेरी हमेशा गुम हो जाती हैं, तो अब मैंने इसके लिए ये एक केस सा है उसमें मैंने अपनी सारी बॉबी पिन संभाल के रख दी हैं। और आप लोग भी ऐसा किया करें, मोस्टली हर लड़की के साथ ये बॉबी पिन का मसला होता है। दिस इज़ माई लेंस किट और हमेशा एक मैं रखती हूँ अपने बैग में एक्स्ट्रा, क्योंकि कहीं जाना होता है और लंबा स्टे हो जाता है, फिर लेंस उतारने पड़ जाते हैं, आँखों में इरिटेशन हो जाती है ऑब्वियसली अगर 10-12 घंटे हो जाएँ, तो मैं एक एक्स्ट्रा अपनी लेंस किट रखती हूँ अपने बैग में जो कि मुझे पूरे वक्तों में काम आए। माई कार्ड होल्डर, और ये भी आपने मेरे एक दो व्लॉग्स में देखा होगा, मैंने आपको दिखाया था, ये भी मैंने चाइना से लिया था। बड़ी ही ज़बरदस्त और बड़ी ही कारामद चीज़ है, इसमें मेरे बेसिकली सारे ATMs होते हैं, यूनिवर्सिटी कार्ड, मेरा लाइब्रेरी कार्ड, हाय मैं कब यूज़ करूँगी, कब वापस जाऊँगी और लाइब्रेरी कार्ड यूज़ करूँगी अपना, और ये है मेरा लाइसेंस कार्ड, और बेसिकली इसमें सारे मेरे बैंक कार्ड्स, सारे मतलब इम्पॉर्टेंट कार्ड्स। दिस इज़ ऑफ कोर्स माय वॉलेट, और इसमें मैं कुछ कैश कैरी करती हूँ जी। ये चॉकलेट आपको मिलेगी मेरे बैग में, चॉकलेट मैं जो है एकदम से मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है और हमेशा मैं अपने बैग में चॉकलेट कैरी करती हूँ अगर विल्दान ना निकाले। विल्दान की बाय द वे ये फेवरेट जगह है मैस फैलाने की, खेलने की, उसे इतना फैसिनेट करता है मेरा बैग, आई डोंट नो व्हाई। और उसे कोई भी चीज़ ढूंढनी होती है तो वही होता है बैग बैग बैग, क्योंकि मामा के बैग से ही मिलेगी। वी हैव दिस पावर बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट और मुझ जैसे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वाई मैं अपना फ़ोन चार्ज नहीं करती, बड़ी ही स्ट्रेंज बात है, बट मैं बहुत सुस्त हूँ चार्ज करने में। थोड़ा सा चार्ज होता है 20-30% भी होगा ना, तो मैं उसको 100% समझती हूँ और मैं निकाल लेती हूँ, पता नहीं कि मुझे अजीब होता है कि चार्ज पे क्यों लगा हुआ है। तो मुझ जैसे लोगों के लिए जो है वो पावर बैंक कैरी करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैं इसे भी प्रॉपर चार्ज नहीं करती, ये भी आपको अभी भी मिलेगा, यस 000 शीशा, यस ये एक बड़ा क्यूट सा है ये, और ये मैंने एक्सपो स्टोर से लिया था, पाकिस्तान से लिया था, और ये इसकी एक साइड तो मुझे बड़ा ही खूबसूरत दिखाती है और दूसरी साइड ओह माय गॉड बड़ा ही ख़तरनाक दिखाती है। वो होता है ना, आप सेल्फी कैमरा एकदम से ऑन कर लेते हैं और इतनी बड़ी शक्ल आ जाती है कि आपको अपनी शक्ल से ही नफरत हो जाती है। तो वही इसके साथ भी एक सीन है, बर्ड्स पे ये शाइनी सा लेदर लगा हुआ है। दिस इज माउथ फ्रेशनर, बहुत ज़रूरी हर किसी के बैग में होनी चाहिए और मैं सबको ये रखने के लिए इनक्रेज करूँगी। जो है वो कितना बुरा लगे कि आप किसी से बात कर रहे हो और अगर आपके मुझसे स्टिंक आ रहे हो और उससे दूर भाग रहा हो, सो अच्छे ताल्लुकात रखने के लिए माउथ फ्रेशनर है इस लाजमी। नेक्स्ट माई फोन, वी हैव दिस नेल पॉलिश रिमूवर, ये भी ज़रूर मेरे बैग में होता है क्योंकि नेल पॉलिश लगाने का तो सब लड़कियों को शौक होता है, बट फिर जो है आपकी नमाज डिले हो जाती है और यूज़ करने में बहुत ईजी है, मिनटों में आपकी जो है नेल कलर उतर जाता है। अब दिस पेन, यस वेरी इंपॉर्टेंट, हर किसी के बैग में होना चाहिए हर एक एक चीज़। अगर आपके बैग में इतनी कैपेसिटी है तो ज़रूर रखिए सारी चीज़ें और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। या दिस लिटिल नोटबुक, ये नोटबुक है मेरी, सो वेरी इंपॉर्टेंट, जब कोई चीज़ चाहिए होती है, कोई पेपर कोई पेन, तो कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं, हमेशा मैं पेपर ढूंढती रह जाती हूँ कि कहाँ चला गया पेपर, मुझे लिख के देना है सामान, तो इसके लिए मैंने ये छोटा सा पैड रख लिया है। यस सम ड्राई फ्रूट्स ये आपको हमेशा मेरे बैग में मिलेंगे और मुझे बहुत सारे व्लॉग्स में आपने खाते हुए भी देखा है, क्यों कर मुझे या तो भूख नहीं लगती बिल्कुल, मैं दो दो तीन तीन दिन तक भी भूखी रह सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे भूख लगे उस टाइम मुझे कुछ ना मिले तो मुझे ऐसा लगता है मैं बेहोश होकर गिर जाऊँगी। तो इसमें आपको मिलेगा जी बादाम, किशमिश और काजू, मेरे सारे फेवरेट। अच्छा जी, अभी भी इस बैग में आपको बहुत सारा सामान मिलेगा, दिखाती हूँ आपको। ओके, बिगेस्ट खुशबू फ्रीक,
मेरे बैग में आपको इतनी खुशबू की चीज़ें मिलेंगी। वेरी इम्पॉर्टेंट ये है जी, छोटू सा मेरा डिओड्रेंट, ये मैंने लिया था एक्सपो स्टोर से और बहुत ही हैंडी है, छोटू सा है, आप अपने बैग में अच्छे से इसे कैरी कर सकते हैं। ललीडो नाम है इसका। अगली भी चीज़ आपको मेरे बैग में खुशबू ही मिलेगी। यस, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी हैंडी छोटा सा पॉकेट परफ्यूम और ये मैंने लिया था चाइना से। चाइना में रहने वाले जो मेरे व्यूवर्स होंगे उन्हें पता होगा ज़रूर, ये मैंने लिया था वॉटसन से। वॉटसन एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारी इंटरनेशनल चीज़ें मिलती हैं, वैसे चाइना में ऑल ओवर सिर्फ चाइनीज़ चीज़ें मिलती हैं। माय पार्टी गर्ल इसका नाम है और इतनी कोई अमेजिंग खुशबू है एंड लॉन्ग लास्टिंग। नेक्स्ट वी हैव दिस परफ्यूम, ये परफ्यूम भी मैं, परफ्यूम ऑलरेडी है ये मेरे पास बट ये मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी खुशबू। ये मुझे मेहरान ने गिफ्ट दिया था, दिस इज़ विक्टोरिया सीक्रेट बॉम शेल सिडक्शन। ये बड़ा ही अच्छा और फेमस परफ्यूम है और ओ माय गॉड इसकी जो खुशबू है इतनी सौंधी सौंधी लाइट सी खुशबू और एक होती है ना एक बिल्कुल हार्श सी बहुत स्ट्रांग खुशबू होती हैं वो भी मुझे बहुत पसंद है बट ये जो खुशबू है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, हल्की सी लाइट सी। आप कहीं किसी के साथ भी बैठे हो, आप खुद अकेले में भी बैठे हो तो हल्की हल्की सी खुशबू आ रही होती है और अच्छी सी फ्लोरल सी इसकी खुशबू है। अचानक किसी अच्छी जगह पे जाना पड़ जाए और आपके बैग में हमेशा एक अच्छा परफ्यूम होना बहुत ज़रूरी है। वी हैव दिस आईब्रो पेंसिल और ये है जी मिनीसो की आईब्रो पेंसिल। ये मुझे मिनीसो से गिफ्ट मिली थी और जिसके पास भी आईब्रो पेंसिल नहीं है वो अभी मिनीसो जाएं उधर से शॉपिंग करें और आपको मिलेगी एक फ्री आईब्रो पेंसिल क्योंकि मैं दो बार गई हूँ मिनीसो और मुझे दोनों टाइम आईब्रो पेंसिल उन्होंने गिफ्ट की है। वी हैव दिस छोटू सा ये ब्रशेस का ये होल्डर है, इसमें सारे इसेंशियल आपके ब्रशेज हैं। ये है जी ब्लश ब्रश, कॉन्टो ब्रश, हाइलाइटर, पॉकेट फ्रेंडली है ये भी, आपके बैग में जो है वो आराम से जा सकते हैं। वैसे यूजुअली मैं इसे रखती हूँ, आई डोंट नो ये क्यों मेरे बैग में भी आ गया है, मीशो से लिया था बट आप इसे कैरी कर सकते हैं अपने बैग में, इट्स वेरी कॉम्पैक्ट और स्मॉल। लिपस्टिक ज़रूर हर लड़की के बैग में होती होगी एंड ये बेसिकली रेड लिपस्टिक है तो रेड लिपस्टिक का ये फ़ायदा होता है कि आप इसे एज अ ब्लश भी लगा लो, लिप्स पे भी लगा लो तो ऑल इन वन होता है। ओके दिस इज़ ऑल्सो अ लिपस्टिक, ये है जी बॉडी शॉप की एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट और बड़ा मज़े का इसका ये न्यूट सा कलर है, ये ख़त्म हो रही है और ये मुझे ज़रूर लेनी है, दूसरी बाय करनी है। ओके सम कचरा ये है जी सफायर का डिस्काउंट कार्ड रुपीज़ 1000 का, ये मैंने रिसेंटली वहाँ से शॉपिंग की है तो इन्होंने मुझे ये 1000 का कार्ड दिया है और इस पर ये जी कह रहे हैं कि अगर आप इस पर शॉपिंग करेंगे 4000 की तो आपको मिलेगा 1000 फ्री, मतलब आप 1000 रुपीज़ की और शॉपिंग कर सकते हैं फ्री। इज़ माई लास्ट रेसिप्ट, मेरी पेमेंट रेसिप्ट, ये भी मेरे बैग में रह गई, इसी बहाने मेरा बैग भी क्लीन हो गया। अच्छा ये अगर मैं बैग खोलूँ तो इसके अंदर दो तीन और कंपार्टमेंट्स हैं कि आप कोई यहाँ पे चीज़ रख लो ताकि आपको इजीली मिल जाए। फ़ौरन से आपको ज़रूरत पड़ी शीशा निकाला और देख लिया, दान बहुत बाल खींचता रहता है, कहीं भी आप जाओ तैयार शार होके तो बच्चे तो ऐसे ही होते, कभी यहाँ से खींच रहे होते कभी वहाँ से खींच रहे होते, तो शीशा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देखने के लिए कि आपके बाल सर पर हैं कि या नहीं है। अंदर भी एक पॉकेट है और इसके अंदर अच्छा ये है जी हमारी वेडिंग रिंग्स, मेरी भी और मेहरान की भी। क्यों शादी के बाद क्यों मोटे, मैं तो मोटी नहीं हुई हूँ बट फिर भी स्टिल ये मुझे हम दोनों को रिंग्स नहीं आ रही है, मेहरान ने फिर भी वेट गेन किया है बट मैं वैसी की वैसी हूँ, स्टिल मुझे ये रिंग जो है वो आ तो जाती है, बहुत टाइट होके आ जाती है बट ये बहुत मुश्किल से उतरती है और मुझे ज़ख्म हो जाता है, इसीलिए बैग में रखी हुई है कि कभी मेरा ज्वेलर के पास जाने का इरादा हुआ तो मैं ये करवा लूँ फिक्स बाहर। ओके ये ऐसे खुलेगा और यहाँ पे भी है एक ज़िपर और ओके यहाँ पे भी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओह माय गॉड आप लोग को मैं दिखाऊंगी कि इसमें से कितना सारा सामान निकला है इतने से छोटे से बैग में से। दिस इज़ माय आईडी कार्ड, यस मेरा नेशनल आइडेंटिटी कार्ड और ये
ये भी मैंने चाइना से लिया, इसमें मैं अपना बस कार्ड जो था वो रखती थी, बट यहाँ पे ऑब्वियसली बस कार्ड नहीं यूज़ करना होता, तो मैं इसमें मैंने अपना ही संभाल लिया है ये आईडी कार्ड, ताकि और इसमें जी है ये छोटी सी क्यूट सी घंटी बेल, और ताकि कोई भी मेरा आईडी कार्ड चोरी करने की कोशिश करे तो मुझे पता चल जाए ये घंटी बजने लग जाए। नेक्स्ट दिस रबर बैंड। अच्छा जी, ये है लिप बाम भी इससे आप कह सकते हैं, और ये है जी वैसलीन का रोज़ कलर चेंज, ये भी मैंने चाइना से लिया था, बड़ी अच्छी ज़बरदस्त चीज़ है, मॉइस्ट करती है आपके लिप्स को बहुत, बट इस पे लिखा है कलर चेंज, आई डोंट थिंक सो ये कलर चेंज करती है, बिल्कुल लाइट सा, सर्दियां हो गर्मियां हो मेरे लिप्स जो हैं वो चैप्ड ही रहते हैं, तो मैं ज़रूर ये इसे अपने साथ कैरी करती हूँ, और आप लोग भी क्या करें, आजकल सर्दियां आ गई हैं और बहुत ही ड्राई स्किन और लिप्स रहने लग गए हैं। अच्छा जी, दीज आर एयरपॉड्स, यस हैंड फ्री हैं ये, और ये भी जो है वो आपको अपने रखने चाहिए, आपको किसी और से नहीं मांगने चाहिए, किसी और से हरगिज़ नहीं मांगने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो होता है वो वैक्स लग जाती है और फिर आप दूसरों के यूज़ कर रहे हो तो अनहाइजेनिक, यू नो। ये है जी लास्ट कंपार्टमेंट, और यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ आई थिंक कुछ ऐसा ख़ास सामान नहीं होगा, खास है जी, खास है, बिल्कुल ख़ास है, ये है छोटू सा ये क्यूट सा नेल कटर, बड़ा ही हैंडी है ये भी, और ये भी सबके बैग में होना चाहिए, और मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मेरे नेल्स पे कट लग जाता है, तो इसलिए मैं अपने साथ ज़रूर कैरी करती हूँ ये नेल कटर, क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है कहीं भी। और ये हैं जी कुछ विजिटिंग कार्ड्स, फाइनली ये है जी यस कॉन्टैक्ट नंबर, ये एक बैंक वाली आंटी का कॉन्टैक्ट नंबर है। एनी वेज, कैन यू बिलीव इट कि इतना सारा सामान ये इस छोटे से बैग में से निकला है, इतना सारा सामान। सो या दिस वॉज इट, ये था जी मेरे बैग का ख़जाना, जो फाइनली मैंने आपको दिखा दिया कि मैं अपने बैग में क्या क्या कैरी करती हूँ, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी ऐसी अच्छी चीज़ लगी इस बैग में जो कि मैं कैरी करती हूँ, और आप लोगों को इंस्पिरेशन मिली उससे भी ज़रूर बताइएगा, आप लोग अपने बैग में क्या क्या कैरी करते हैं। अच्छा, विल्दान का एक अलग बैग होता है, इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि विल्दान की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि विल्दान का एक अलग बैग होता है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप, इफ़ यू गाइज आर न्यू थैंk यू फॉर स्टॉपिंग बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो टू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैं जी काफ़ी एक्टिव रहती हूँ और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी वहाँ पे शेयर कर रही होती हूँ। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जी हाँ, मुझे ज़रूर सजेशंस दिएगा कि और आप लोग मेरे चैनल पे क्या क्या देखना चाहते हैं, और भी बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो लाइंड अप हैं। मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों से अपनी ज्वेलरी कलेक्शन जो है वो शेयर करूँ, मेहरान के साथ मैंने बहुत सारी वीडियोस प्लान की हुई हैं, Q&A प्लान किया हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बट आप लोगों की सजेशन भी ऑफ कोर्स ज़रूरी है, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को, और या अल्लाह हाफ़िज़।